होती है और सेकेंड ईयर वाले की होती है 3 बजे से। तो 3 बज चुके हैं और यहाँ देखिए मैं बात करूँगा आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करने की। आज का जो क्वेश्चन होगा, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि जो सिलिटिक एसिड होता है, सिलिटिक अम्ल होता है, वो किस प्रकार से बनाया जाता है। क्योंकि मैंने देखिए 2 अम्ल बना चुका हूँ, 2 एसिड आपको बता चुका हूँ, एक लैक्टिक एसिड और एक टैट्रिक एसिड, ठीक है, और एक सिलिट्रिक एसिड और एक और एक्चुअली 2 और एसिड बताऊंगा। बस मैंने कहा था 5 एसिड बताऊंगा और 5 एसिड में से आपको 2 एसिड एग्जाम में पूछी जाएंगी 2020 के एग्जाम में, ठीक है ना। देखिए होती तो 6-7 लगभग 8 एसिड हैं, लेकिन मैं आपको केवल 5 ही एसिड बताने वाला हूँ, ठीक है। 3 की अपलोड हो चुकी है वीडियो, इस ये लगा के 3 हो जाएंगी और 2 और हैं, ठीक है ना, 5 हो जाएंगी। 5 ही आप 8 होती हैं, वैसे 8-9 होती हैं, एसिड तो काफ़ी होती हैं, लेकिन जो इंपोर्टेंट्स हैं वो 5 ही हैं, ठीक है ना। एग्जाम में इस 5 से ही आपको दो एसिड पूछ लेगा, ठीक है। तो क्या है, आपको लास्ट तक इस वीडियो बने रहना है। आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। देखिए मैं आपको यहाँ एक ही बार बता रहा हूँ कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत मतलब कि यहाँ पॉइंट पॉइंट बताया जाता है। कोई भी क्वेश्चन लेते हैं तो उसे हम उसके हद तक जाते हैं, ठीक है ना, उसके जड़ तक जाते हैं कि ये बनना कहाँ से, समझ में आ रहा है। और हम आपको उस क्वेश्चन को पूरा याद कराने की कोशिश करते हैं कि आपको इसी वीडियो में पूरा याद हो जाए, ठीक है ना। कहीं अंत कहीं आपको कोई वीडियो सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, हम यही कोशिश करते हैं। अब देखिए और मैं आपको बताने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है 2020 में इंपॉर्टेंट, और 2020 में आने वाले जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं, यदि हमारी आपको वीडियो पसंद नहीं लगती कि आप कहीं और आप टीचर से पढ़ रहे हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, आप पढ़िए, ठीक है। आप किसी भी टीचर से कोचिंग लगा रखी है, आप पढ़ रहे हैं, आपके नोट्स बनवा रहे हैं वो सर, ठीक है, आप नोट्स में उनका पसंद आ रहा है आपको पढ़ाई, तो ऐसा करिए कि हमने जो आपको इम्पोर्टेंट दिए हैं 2020 में आने वाले क्वेश्चन, आप उनको बस अपने जो टीचर ने आपकी कराए उन पर टिक लगा लो कि हमें जो याद करना है भाई कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो आपको वीडियो देखना भी बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपकी चाहो वैसे आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरी ही वीडियो आप देखिए, ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगता है, जैसा आपको समझ में आता है आप वैसा करिए, ठीक है। लेकिन हाँ मैं आपसे वादा इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि 85% प्लस जो मैंने आपको 2020 में आने वाले क्वेश्चन दिए हैं, उनसे आपकी एग्ज़ाम में 85% प्लस हर सब्जेक्ट में फंसेगा, ठीक है ना। हर पेपर की बात कर रहा हूँ, हर पेपर में, यदि मैंने BSc फर्स्ट, जैसे आपको सेकेंड ईयर में है, आपको मैंने केमिस्ट्री का फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर दे दिया, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन दिए 1819, उन क्वेश्चनों को देख लेना, वो ही क्वेश्चन आपके 2020 के एग्ज़ाम में आ रहे हैं, सच में आप देखना हो 85% प्लस वहाँ से मिलेगा। जो मैंने बताया 18 क्वेश्चन, वो आपको 85% प्लस वहाँ से मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। तो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ आज का जो है सिलिट्रिक अम्ल एसिड किस प्रकार बनाते हैं, वो बनाने की कोशिश करेंगे बिल्कुल आसान विधि से। तो क्या करते हैं, देखिए नींबू के रस से भी हम बना सकते हैं, किसके, नींबू के रस, ठीक है ना। तो नींबू के रस से कैसे बनाते हैं वो जान लेते हैं, उसके बाद में एक रिएक्शन देंगे और उसके बाद में इसके रासायनिक गुण के बारे में जानकारी देंगे बस, ठीक है। तो क्या है, देखिए नींबू के रस से हम कैसे याद करते हैं, तो नींबू के रस को उबाल कर, ठीक है ना, प्रोटोनों को, जो प्रोटीन होते हैं उनको, प्रोटोनों को स्कंदित करके, ठीक है ना, मतलब कि नींबू का रस लिया हमने, निचोड़ा उसमें और फिर उसे उबाला, फिर जो प्रोटोन होते हैं उनको क्या, स्कंदित किया, ठीक है ना, और फिर उसे हमने फिल्टर किया, समझ में आ रहा है, फिर हमने उसे फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करके जो प्राप्त फिल्ट्रेट, मतलब कि जो हमने फिल्टर किया उसके बाद में जो द्रव प्राप्त हुआ, जो हमारे नींबू का रस प्राप्त हुआ फिल्ट्रेट में, उसमें थोड़ा सा हम कैल्शियम कार्बोनेट मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम CaCO3 कहते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, CaCO3। अब क्या होता है उसमें, फिर मिलाने पर क्या होता है, जो आबलीय कैल्शियम सिलिट्रेट प्राप्त हो जाता है, क्या प्राप्त होता है, आबलीय कैल्शियम सिलिट्रेट हमें प्राप्त हो जाता है। अब देखिए वहाँ से जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट उसमें मिलाया, जो उबाला था हमने नींबू का रस, उसमें प्रोटोनों के स्कंदित किया हमने, फिर उसे फिल्टर किया, और फिल्टर करने के बाद हमने क्या किया था, जो फिल्ट्रेट जो प्राप्त हुआ था, जो द्रव प्राप्त हुआ था, उसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट मिला दिया। अब मिलाने के बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि उसमें क्या करो, फिर जो कैल्शियम कार्बोनेट जब मिलाया तो हमें एक आबलीय कैल्शियम सिलिट्रेट प्राप्त हुआ, ठीक है ना, क्या प्राप्त हुआ, आबलीय कैल्शियम सिलिट्रेट प्राप्त हुआ। अब जो प्राप्त होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसकी जो आवश्यकता मात्रा है, देखिए कह रहा है कि उसमें आवश्यक मात्रा में
उसकी जो आवश्यकता मात्रा अनुसार हमने क्या किया कि H2SO4 मिला दिया उसमें, क्या मिला दिया, क्वाइंस H2, जैसे हम तनु H2SO4 कहते हैं, वो मिला दिया। मिलाने पर जो आबिला कैल्शियम सल्फेट था, सल्फेट था ठीक है ना, तथा और बिल जो हमारा जो मतलब कि कैल जो आबिला कैल्शियम सल्फेट था जो प्राप्त हुआ था, जब उसमें हमने H2SO4 मिलाया तो हमें आबिलीय कैल्शियम सल्फेट वो सल्फेट ठीक है ना, जिसे हम CaSO4 कहते हैं, और आबिले सिलेटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। दो चीज़ में प्राप्त होती है, क्या क्या चीज़ प्राप्त होती है देखिए, अब मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ, शायद आपको एक ही बार में अब समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, नींबू का रस लिया ठीक है ना, सिलेटिक अम्ल को प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, निर्माण करने के लिए नींबू का रस लिया, और नींबू के रस में हमने जो हमने प्रोटोनों को स्कंदित किया पहले ठीक है ना, फिर उसे हमने फिल्टर किया, उबाला पहले हमने नींबू के रस को उबाला, फिर प्रोटोन को स्कंदित कर लेते हैं, फिर जो उबाला हुआ था उसको हमने फिल्टर कर दिया। अब जब फिल्टर करने के बाद में जो हमें प्राप्त हुआ फिल्ट्रेट, जैसे मैंने कहा फिल्टर द्वारा जो लिक्विड प्राप्त हुआ, जो हमें नींबू का रस प्राप्त हुआ था, उसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट मिला दिया ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट मिला दिया। अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला आप जानते हैं, CaCO3 होता है। अब मिलाने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ कि आम्लीय कैल्शियम सल्फेट प्राप्त हुआ, सिलेटेड प्राप्त हुआ, कैल्शियम सिलेटेड ठीक ना, कैल्शियम सिलेटेड आबिले कैल्शियम सिलेटेड प्राप्त हुआ। अब प्राप्त होता है जिसमें हमें आवश्यक मात्रा H2SO4 मिलाने पर आबिले कैल्शियम सल्फेट ठीक है ना। देखिए जब हम H2SO4 मिला देंगे उसमें मतलब कि आबिले कैल्शियम सिलेटेड में ठीक है, H2SO4 मिला देंगे तो हमें आबिले कैल्शियम सल्फेट प्राप्त हो जाएगा और आबिले सिलेट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ये दो चीज़ हमें प्राप्त हो जाती हैं ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ और आती है, ये तो आपको हो गया एक सिंपली विधि द्वारा बनाने के, एक आता है सुक्रोज द्वारा ठीक है ना, सुक्रोज द्वारा भी बना सकते हैं हम सिलेटिक एसिड को, तो सिलेटिक एसिड को सुक्रोज द्वारा भी, रिएक्शन आपको ये लिख देनी पड़ेगी ठीक है ना, रिएक्शन आप ये लिख देना। देखिए सिलेक्ट हमने क्या किया, हमने सुक्रोज लिया, उसमें हमने जल मिला दिया, जल मिलाने के बाद में पेयरिंग वगैरह ने की, और यहाँ आपको क्या है, ये आपका फार्मूला आता है ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो जाता है हमारा सिलेटिक एसिड का, तो आपको यहाँ सिंपली बना देना। तो सिलेटिक एसिड का मैं पहले भी सूत्र बता चुका हूँ, C6H8 और O7 ये होता है, या सिंपली आप इस प्रकार फार्मूला द्वारा भी तोड़ सकते हैं ठीक है ना। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया सिलेटिक एसिड का सूत्र आप देख लीजिए ओके। अभी यहाँ नीचे जाएंगे, और नीचे जाने के बाद में देखिए करेंगे रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज डालेंगे हेडिंग ठीक है। तो दोस्तों समझ में आ रहा है, अब हम हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हेडिंग डालने के बाद में यहाँ लिखेंगे, देखिए भौतिक गुण छोड़िए ठीक है ना, भौतिक गुण कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमेशा मैं एक ही बात बताता हूँ मैं आपको, कि जो अपचाइन हेडिंग डालते हैं ठीक है, रिडक्शन हेडिंग डालते हैं, उसमें हमेशा HI ही के साथ अभिक्रिया करते हैं, HI के साथ ही गर्म करते हैं। तो हमने जो अपचाइन अभी डालाई ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे HI के साथ अपचयन करने पर क्या है, हमें ट्राई कार्बो लाइक अम्ल प्राप्त होता है ठीक है ना, कार्बिलाइक, तो ट्राई कार्बिलाइक अम्ल एसिड देखिए प्राप्त करने के लिए क्या होगा, देखिए सिलेट्रिक अम्ल का हम सूत्र जानते हैं, सिंपली ये होता है या C6H जो हमारा सूत्र है H8O7 या वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर हम स्ट्रक्चर द्वारा पूरा फार्मूला खोल के लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए HI के साथ हमने दो मॉलिक्यूल HI के ले लिए, हमने क्या किया, फिर हमें प्राप्त होता है ट्राई कार्बिलिक एसिड प्राप्त होता है, तो ट्राई कार्बिलिक एसिड का देखिए सूत्र स्ट्रक्चर ये होता है, और जल निकल जाता है और HI निकल जाता है, वो सॉरी I निकल जाता है, I2 निकल जाता है ठीक ना। तो ये आपको देख लीजिए, ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी ठीक है ना, बहुत जल्दी मैं आपका इसका नोट्स दे दूंगा, आपको कोई दिक्कत की जरूरत नहीं करनी पड़ी, पूरे पूरा नोट्स मैं इसलिए बना रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए कह रहा है कि ताप का प्रभाव क्या होता है, अब देखिए ताप का प्रभाव क्या होता है, तो कह रहा है कि 150 डिग्री सेल्सियस पर यदि हम लें जो आपका सिलेट्रिक एसिड जो हमको अम्ल प्राप्त होता है, उसमें क्या है सिलेट्रिक अम्ल में 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो हमें एक देखिए एक्विनेटिक अम्ल प्राप्त होता है ठीक है ना, ऐसा लग रहा है एक्विनेटिक अम्ल प्राप्त होता है या एक्विनेटिक एसिड प्राप्त होता है। सिलेट्रिक एसिड से जब हम 150 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं उसे ठीक है, 150 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं सिलेट्रिक एसिड को, तो हमें एक्विनेटिक अम्ल या एक्विनेटिक एसिड प्राप्त होता है, जिसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ठीक है ना, CH2COOH और सिंगल बॉन्ड सी, फिर डबल सिंगल बॉन्ड COOH ठीक है, CH2 और सी, यहाँ केवल OH नहीं जुड़ा होता, बस OH हट जाता है, यहाँ से याद रखना OH हट जाता है ठीक है ना, ये OH यहाँ होता है ना जी, ये हट जाता है और H2O यहाँ निकल जाता है, तो ये क्या है आपका एक्विनेटिक अम्ल का सूत्र होता है। अब देखो तीसरा जो पॉइंट डालने वाले हम, तीसरा पॉइंट ये डालेंगे, तीसरी पॉइंट डालेंगे, और यहाँ देखिए फ्लोमिंग जो हमारा फ्लोमिंग H2SO4 उसके साथ जब क्रिया करते हैं ठीक है ना, फ्लोमिंग H2SO4 के साथ जब क्रिया करते हैं सिलेट्रिक एसिड को ठीक है ना,
तो क्या होता है, तो सिंपली देखिए यहाँ क्या प्राप्त होता है, बहुत एसीटोन कार्बोसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना, एसीटोन कार्बोसिलिक एसिड प्राप्त हो जाती है हमें। तो वो भी स्ट्रक्चर हम दिखाने वाले हैं आपको क्या करना है। यहाँ देखिए सिलेटिक एसिड का सिंपली सूत्र होता है, ये चीज़ फार्मूला होता है आप जानते ही हैं, ठीक है ना। अब देखिए इस चीज़ को क्या करते हैं, या तो आप सिंपली ये लिख दीजिए या फिर हम यहाँ C6H8O7 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर के द्वारा लिखेंगे तो बेहतर रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या करना है, केवल हमें यहाँ से देखिए यहाँ सेम टू सेम ये रहेगा, यहाँ भी नीचे सेम टू सेम यही रहेगा, देखिए यहाँ से और यहाँ सेम टू सेम ये रहेगा, कार्बन भी यही सेम टू सेम रहेगा, लेकिन यहाँ से OH हटने के बाद में केवल यहाँ O आ जाता है, बस ये एसीटोन कार्बोसिलिक अम्ल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। और यहाँ से जो OH है ये हटने के बाद में देखिए कार्बो CO आ जाएगा और H2O निकल जाएगा, ये सारी प्रोसेस निकल जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर को सब्सक्राइब कीजिए और बेहतर तरीके से स्टडी करिए, और जो हम बता रहे हैं बस आप इतना तैयारी करते रहिए, ठीक है। और आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, आपको 3 बजे डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर पर। तो यार इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है ना। तो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर, थैंक यू।